डंकी का क्रेज फिलहाल सोशल मीडिया पर दिख के आ रहा है, जहां रिव्यूज में सभी लोग शाहरुख खान, राजकुमारी रानी और विकी कौशल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं अब रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान एंड द लिटिल चैंप अबराम का भी रिव्यू आ चुका है, जहां खुद शाहरुख खान ने अपने आस्क मी सेशन में रिवील किया। तो क्या कहा शाहरुख खान ने और कैसा था गौरी खान और अबराम का रिएक्शन टू डंकी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शाहरुख खान अक्सर फैंस के साथ आस्क एसआर के सेशन करते हैं और इसी बीच फैंस उनसे कई सवाल पूछते हैं, फिर चाहे वो सवाल पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो या प्रोफेशनल, किंग खान उनका जवाब जरूर देते हैं। अब डंकी की रिलीज से एक दिन पहले ही बुधवार को शाहरुख खान ने फैन से बात की और उस वक्त कुछ फैंस ने पूछा कि क्या पत्नी गौरी खान और छोटे बेटे अबराम ने डंकी फिल्म देखी है कि नहीं, अगर देखी है तो उनका रिव्यू क्या है। वेल, एक यूजर ने इस सेशन में शाहरुख खान से पूछते हुए लिखा, अबराम को कब दिखा रहे हैं मूवी #डंकी? तो इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा, अबराम हैज सीन इट एंड ही कीप सिंगिंग आई वांट टू गो टू लेबोरेटरी। तो वहीं दूसरे यूजर ने उनकी वाइफ गौरी खान के रिव्यू के बारे में पूछते हुए लिखा, सर गौरी मैम को कैसी लगी डंकी #askSRK? तो इसके जवाब में किंग खान ने लिखा, शी सेड इट्स अ फिल्म टू बी प्राउड ऑफ एंड लव द ह्यूमर #डंकी। तो वहीं एक और यूजर ने सवाल पूछा कि हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स ऑन सेट्स व्हेन देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट माइंड्स इन्वॉल्वड? तो शाहरुख खान ने कहा कि जस्ट डू एज यू आर टोल्ड बाय द डायरेक्टर, स्पेशली इफ द डायरेक्टर इज राजू हिरानी, नो डिसएग्रीमेंट एवर। वेल, रिसेंटली शाहरुख खान के इस आस्क मी सेशन खत्म होने के बाद डंकी देखने पहुंचे लोगों की कुश्ती करते हुए वाली वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसका रिप्लाई शाहरुख खान ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल में दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कैसे डंकी के पोस्टर हाथ में लिए एक्साइटेड हैं और नाच रहे हैं और कुश्ती लड़ रहे हैं, एक तरफ है टीम हार्डी तो दूसरी तरफ है टीम फॉरेन। तो वहीं इस वीडियो को रिप्लाई करते हुए शाहरुख खान ने लिखा है, अरे पिक्चर देखने तो जाओ या बाहर ही कुश्ती करते रहोगे, गो इन सी द मूवी एंड टेल मी इफ यू ऑल एंजॉयड इट। वहीं बता दें कि डंकी को राजकुमारी रानी ने बनाई है और फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी भी हैं और ये शाहरुख खान की इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म है और इससे पहले किंग खान की पठान और जवान फिल्म रिलीज हो चुकी है। दोनों ही फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है फैंस के थ्रू। इतना ही नहीं, दोनों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से हैं और फैंस को अब डंकी से भी बहुत उम्मीद है। तो देखते हैं अब ये फिल्म क्या कमाल करती है। वेल, आप डंकी फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आज ही रिलीज हो चुकी है, आप जाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको डंकी फिल्म। एंड फॉर मोर सोशल अपडेट्स टू फॉलो आवर पेज।